नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। कलयुग में श्री राम का नाम ही भव सागर पार कराता है, यह बात गंज बासोदा वेदांत आश्रम में चल रही श्रीमद भागवत कथा में डॉक्टर वेदांति ने कही। आपने कथा में बताया कि अगर मानव जीवन प्राप्त करके भी हम भव सागर पार करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम स्वयं अपनी आत्मा के दुश्मन हैं, क्योंकि मानव जन्म कई योनियों के भ्रमण के बाद मिलता है। इसलिए मानव जीवन प्राप्त होने पर हमें परमात्मा में विलय के लिए प्रयास करना चाहिए। कलयुग में राम नाम जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। कथा के प्रथम दिन अवधपुरी राम जन्म की कथा सुनाई गई। कथा में जैसे ही राम जन्म हुआ वैसे ही उपस्थित जन समुदाय झूम उठा और नाचने गाने लगा। अयोध्या में राम जन्म पर बधाई गाई गई। डॉक्टर वेदांति ने बताया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार व्यक्ति कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए आत्मा को परमात्मा में विलय के लिए इस पृथ्वी पर श्री राम नाम ही सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म मार्ग है। महाराज ने व्यासपीठ से बताया कि कलयुग में राम नाम के उच्चारण मात्र से ही भव सागर पार किया जा सकता है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। क्या गजब का आपने वरदान दिया, बोले ये कैसे वरदान हो गया? अगर बुरी पत्नी हो बाजार में खो जाएगा वहां बड़ा अच्छा हुआ, टंटा छोटा। अगर लेकिन कोई पति पत्नी के लिए रो रहा हो उसका मतलब अच्छे ना दी। श्रेष्ठ प्रकार की पत्नी मिलती है, अच्छी पत्नी होगी तभी तो हम रोएंगे। इसका मतलब बाबा ये तो बड़ा अच्छा वरदान। लड़की ने कहा, यार ये भी धोखे में सही कहा, अब हम तुम्हें शाम में देंगे, आज तुम समझ जाओ। कहते तो मारा जाओ,